दादाजी, आज इतनी गर्मी क्यों है? मेरा पसीना बहना बंद ही नहीं हो रहा। जिंटू तो घबरा के जिन लोग चला गया है, उसने कहा जब गर्मी कम हो जाए तो बुला लेना। इस समय बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज आ रही है, देखो। आज की ब्रेकिंग न्यूज, पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। अर्थ अपनी जगह पर रुक गई है, उसने अपनी दूरी पे घूमना बंद कर दिया है, जिससे सबसे ज्यादा खतरा फुर्सतगंज को है, क्योंकि फुर्सतगंज सूरज की डायरेक्ट गर्मी का एपिसेंटर है। अगर अर्थ ने घूमना शुरू नहीं किया तो सबसे पहले फुर्सतगंज और फिर पूरी दुनिया जल के भस्म हो जाएगी। दादाजी, पर ऐसा सब कैसे हो सकता है? ये देखो बच्चों, ये अर्थ है जो अपनी धुरी पे घूमते हुए सन के चारों तरफ घूमती है और मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है। अर्थ ने घूमना बंद कर दिया है। अभी बताता हूँ ये कैसे हो गया। ये देखो बच्चों, ये लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और आउटर कोर, इनर कोर। सिंपल भाषा में ये समझ लो कि अलग अलग लेयर्स अलग अलग चीजों की होती है। कहीं लिक्विड है, कहीं मेटल है, कहीं रॉक्स है। इस तरह ये अलग अलग लेयर्स हैं जो अर्थ के कोर तक जाती हैं। सबसे सेंटर में कोर है रेड कलर का। वाव, ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। बच्चों, ये है अर्थ की असली जान। यही घूमता है तो पूरी अर्थ घूमती है। पर प्रॉब्लम ये है, इसने घूमना बंद कर दिया है। इसकी वजह से सूरज की गर्मी डायरेक्ट फुर्सतगंज पे पड़ रही है। अगर अर्थ ने घूमना शुरू नहीं किया तो सबसे पहले फुर्सतगंज और फिर पूरी धरती जल के भस्म हो जाएगी। दादाजी, हमें कुछ तो करना होगा। हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। फुर्सतगंज ही नहीं, पूरी दुनिया खतरे में है। तुम सही कहते हो वीर, मेरे पास एक आइडिया है। अगर सक्सेसफुल हुआ तो वीर, तुम्हें इस मोनोकार को लेकर अर्थ के कोर पार्ट में जाना होगा। पर दादाजी, इससे अर्थ कैसे घूमेगी? जब तुम अंदर जाओगे तो इस ट्रेन को तुम्हें 5,00,000 माइल्स पर आर की स्पीड पर चलाना होगा, जिससे इसमें से निकलने वाली लेजर रेज कोर को पुश करके घूमने के लिए एक्टिवेट कर देंगी। दादाजी, मुझे जल्दी वहाँ जाना होगा। वीर, मैंने मोनोकार के ऑपरेशन की जानकारी तुम्हारे ब्रेन चिप में ट्रांसफर कर दी है। अब तुम इसे ऑपरेट कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट वीर, अपना ख्याल रखना। थैंक्स इमली चिल्बल। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। अरे, कितनी बड़ी शाख है ये। चुलबुल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सॉरी वी, हम चुपचाप छुप के आए हैं। दादाजी से पूछते तो वो कभी आने नहीं देते, इसलिए हम चुपचाप तुम्हारी हेल्प करने आए हैं। लेकिन इमली, यहाँ बहुत खतरा है, तुमको नहीं आना चाहिए था। वी, तुमको लगता है कि मैं तुम्हें अकेले जाने देती? हम लोग जो भी करेंगे साथ ही करेंगे। हाँ, वो देखो, सी बैट नजदीक आ रहा है। मैं जमीन खोदने की लेजर्स ऑन करता हूँ। वीर, ये क्या? इमली चुलबुल कैसे आ गए तुम्हारे साथ? सॉरी दादाजी। बाहर से नहीं आई, यहीं पैदा हुई होंगी इमली। वीर, वीर। एकदम प्योर वाटर है, जरा पी के तो देखो। वाव,
इतना अच्छा पानी कभी नहीं पिया। कितना ठंडा, प्योर और मीठा भी। लगता है पत्थरों के टकराने से मोनोकार के सामने के वायर्स डैमेज हो गए हैं। बाहर जाके उसे चेक करके जल्दी से रिपेयर करो। ओके दादाजी, मैं चेक करता हूँ। इमली, तुम इंजन पे रहो, मैं बताता रहूँगा क्या करना है। ओके वीर। ओह, ये तो एसिड है, इससे तो आयरन भी मेल्ट हो रहा है। मुझे ध्यान रखना होगा, नहीं तो मेरे पार्ट्स भी मेल्ट हो जाएंगे। इमली, जरा ग्रीन बटन प्रेस करना। पी, जल्दी आ जाओ, इंजन स्टार्ट हो गई है, ग्रीन लाइट ऑन हो गई है। ओह इमली, तुमने ट्रेन का इंजन कैसे स्टार्ट किया? क्या इस बटन से? तुम्हें इस लेयर में बहुत सावधानी दिखानी है, क्योंकि तुम सबके पास सिर्फ 30 सेकंड है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। अगर ज्यादा समय लिया तो पूरी ट्रेन पिघल जाएगी। चुलबुल, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं ऊपर वाले से प्रेयर कर रहा हूँ, ये मुश्किलों में काम आने वाला मंत्र है। अर्थ सेंटर कोर तक आ गए हैं। ओके वीर, अब तुमको 5,00,000 माइल्स पर आर की स्पीड से ट्रेन को चलाना है। इसके लिए तुम्हें टाइम बूस्टर बटन प्रेस करना है। जितनी बार प्रेस करोगे स्पीड बढ़ती जाएगी। बेस्ट ऑफ लक वीर। ओके दादाजी। जी, मुझे शायद स्पीड और इंक्रीज करनी चाहिए। नहीं वीर, और स्पीड इंक्रीज करोगे तो मोनोकार के कोचिस के टूट के बिखरने का खतरा है। दादाजी, और कोई ऑप्शन नहीं है और टाइम भी कम है। नहीं वीर, नहीं। नहीं वीर, स्पीड कम करो, नहीं तो बोगी टूट कर अलग हो जाएंगी। दादाजी, हमें ये करना ही होगा, वरना ये ट्रेन मेल्ट हो जाएगी। दादाजी, सेंटर कोर घूमना शुरू हो गया है। Yes, Veer, you have done it. अब जल्दी से बाहर आ जाओ। वीर, इमली, क्या हुआ? वीर, कुछ तो बोलो वीर। वीर, इमली, वीर, इमली, कुछ तो बोलो। प्लीज मेरे बच्चों, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो।
दुनिया तो बच गई पर मेरी दुनिया तो उजड़ गई। वीर, इमली, तुम्हारे दादाजी तुम्हारे बिना अकेले रह जाएंगे। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा दादाजी। You're out of danger, दादाजी। Yes, yes, वीर, इमली, चुलबुल, yes। Mission accomplished. Hey, subscribe to Wow Kids today.